अस्सलाम वालेकुम। आज असा बनाई रहे हैं फ्रेश डबल क्रीम आती है। इसने असा बनासा मक्खन विस्करसा मक्खन बनासा मक्खन बनाई गया असा इसना फिर घ्यो बनासा। पहला स्टेप यह है कि असा इसना पहले मक्खन बनाने तुम्हें दसने मक्खन बनाने वास्ते कितना टाइम लगना वै विस्करसा असा बिस्मिल्ला करने हैं। ईजी तरीका वै हार्ड को नहीं वीडियो तुसों पूरी तक है। असां नी कोशिश ही है कि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी ना करया करा पर फिर जिला थोड़ा टाइम लगी जाना वै ते बस असा हूँ इसकी विस्क करसा। विस्क करने हो ही सकना असा कि भी तो कम भी पंजी मिनट लगी जाने जितना टाइम लगा असा तुसें दसी ओड़सा। बिस्मिल्लाह करने हैं पहला स्टेप। बिस्मिल्लाह इस तरह नाल असां जिहड़ी मशीन चलाउण लगे हैं इस तरह चलाने रहे असां जिहड़ा करीब लगा यानी कि पानी बक होया मक्खन बक होया उस टाइम तो पहले तुसां फिर दसने हैं। मैं तुसां कि हाली दसना चाहनी हाँ पाँच मिनट होया विस किते हूँ बनी है क्रीम बनी गई है। हूँ असा इसकी उसल छोड़ना जिले पानी बख हो सी मक्खन बख हो सी वै इस तरह यह ना तुसा समझा है कि मक्खन बनी गया मक्खन हाले को नहीं बनया पानी छोड़ सी पानी बख हो सी तो मक्खन बख हो सी। सो जिले इस तरह भी हो सी ना तुसा बंद ना कर लगातार चलाने रहो ये हूँ पार्ट जरा औखा वो मतलब थिक हो गई है क्रीम ते मशीने थोड़ा जोर लगना वै बननी है इस तरह वाली है इस तरह असि करना पैसी ते कोशिश करे कि उस बर्तन च बनाया जिस तरह ना असा जग है अपरूम बंद है ते जिसलै पानी छोड़ सी सारा छटे पैना तो जरा गंद पैना वै इे जब तुम को जग ते इस तरह फिर गंद नहीं पैन लगा बाहर नहीं जान लगा कि पानी जरा आना टप लाई छोड़ा तो पानी को नहीं छोड़िया इतना जिला जे ज्यादा गंद पे नहीं पाया असा फिर दोबारा टप उप लाई और तुसें दसना चाहने क्लियरली कि किस तरह मक्खन बन लगे आ। पहले क्रीम सी फिर किस तरह ना इसना तो मतलब आस्ते आस्ते तब्दील होने लगे वै इसमें शक्ल हूँ पानी छोड़ सी बल्ले बल्ले बस पर इतना पानी नहीं है छोड़न लगा। कई क्रीम जी वेरी नाइस होनी है कई दफा नहीं इतनी होनी वो ज़्यादा पानी छोड़नी है तो मैं मशीन इस वास्ते जी थोड़ी मठी की है जो तुम कि समझ लगे थोड़ी जी हम अस तेज करने हैं। गंद पीने वाला पार्ट आई गया पति सकने हो अगर मैं हूँ ना अपर टप दें ते पानी निकली आया पानी बख है मक्खन बख है थोड़ा जहाँ और करसा बस विस्क और एक मिनट पर असं कि देना पैसी वापस क्यों इस फिर सारा गंद पवा है इस वास्ते हूँ मशीन भी तुसा तक ही किने आवाज की है जब तब्दील हो गया यानी कि मक्खन बनी चुकया वै मैं मेक श्योर करनी हाँ कि सारी लस्सी निकली जाए इस वास्ते थोड़ा जहा और कर लगी हूँ सारा मदानी भी आई गया वै यानी कि असा मदानी इसकी क्या कहने ना पाकिस्तान बाखोम गली तो मदानी इे जी होनी सी पर वो लकड़ नहीं होनी सी इसने तुम मक्खन तक ही सकने हो इस तू ज़्यादा असं और ना करी सकने
सही मक्खन बनी गया वै। अस हूँ इसकी गालसा, जरा टाइम लगसी वह भी तुसा दसने आ। ये हूँ अस इतों कड़ने थोड़ा जहा टाइम लगसी। पाकिस्तान पता है इस मदानी नालू जड़े कुछ बच्चों की होना सी चस्का वे जरा नाल बेह जाने होने सन मक्खन असा भी लासा लाई के अपने मुँह च बही किन्ने होने सन। ताज़ा ताज़ा ताज़ी लस्सी होनी सी इत्थे ना। ये है कि लस्सी कोई नहीं बननी पर मक्खन बनी जाना वै। लस्सी ना अपना तरीका वै उदा ही बख वह भी कदा कुदरे मैं तुसा दसा कि देही वै घर तो लस्सी किस तरह बनाई ना होना वै। तो अज मक्खना नहीं बारी है मक्खन तो मैं तुसा दसन लगी हूँ किस तरह ईजी वे है हार्ड वे को नहीं। ते पाकिस्तान इस तरह करने होने स जल्द गली हथ मारने होने स पूरी गली भरी ही होनी सी इतना मक्खन नहीं सी निकलना होना जितना अस कढ़िया वै। माशाल्लाह तको इसकी स्क्वीज करनी आ जितनी लस्सी है ना वो सारी निकली जा सी। मेक श्योर करो जे तुसा हाली मक्खन खाना वै जिस तरह मैं स्क्वीज कर लगी हाँ सारी लस्सी कढ़न लगी हाँ इस तरह कढ़ी के ते तुसा रखी छोड़ो एक बंद भांडे च रखी छोड़ो जिसने प्रूम टप बंद हो जाए सील हो जाए फ्रिज रखी छोड़ो कम तो कम 2 वीकां तुसा इस तरह खाई सकने हो। तो जिसलै बची जाए भाई नहीं खान होया तो फिर पहले बही के देसी घ्यो बनाई गिनो ये फिर साल साल 1.5 साल भी खाने रहो तुसा की कोई परवाह नहीं खराब नहीं होना। माशाल्लाह असा नहीं मंजी ना या गाई ना इतना असा मक्खन कढ़िया वै इस तरह ना तुसा भी करे है। असा हूँ बना लगे इस तरह घ्यो बिस्मिल्ला कर लगे हाँ। ये हूँ मेल्ट हो सी मेल्ट होने थोड़ा टाइम ला सी असा मठा मठा गैस रखे वै थोड़ा जहा असा मीडियम करी छोड़ने बिस्मिल्ला करने हूँ इसकी बना लगे अस घ्यो घ्यो वास्ते अस जरा ना दाने रखे हुए इन्ना कि थोड़ा जहा असा पानी बाने दाने बाजरे ने ये 1 टेबल स्पून है तो अस इन्हें थोड़ा जहा पानी बाने सेड़ी छोड़ने तो फिर मुड़ के बस घ्यो च जेड़े साबत दाने होने उन्हें भी क्रश करना पैना वै। तो इन्होंने एक और खास गल है कि असाने बड़े बड़े इस तरह करने होने सन के जिस तरह हूँ में दाने बाह नहीं ना थोड़े जे पहले बाहने सन बाही के तो घ्यो बनाने सन बनाई के जरा बाकी ना फिर घ्यो रहना सिर बच्चे नीचे जी लस्सी तो घ्यो रहना सी उसने फिर बाजरे ने दाने और बाहने सन उन्हें की आने सन दद्दे उन्हें दद्दे आने सन पर बड़े मज़ेदार वह भी आने सन दद्दे वो भी कुदरे अस ट्राई करसा अज अज तक तुसा कि सिंपल दसन लगे हैं नैक्सट टाइम जल्द अस फिर बनाया फिर तुसें दसा कि दद्दे किस तरह बनने न। हूँ ये तक ही किनो अस पाकिस्तान टिकट ही नहीं गया जाना नहीं पैना देसी घ्यो किन्ने वास्ते घर ही बनाओ ते इत्थे ही याशी करो मतलब है मंजा ना जे तुसा कि दसन लगी स जिस तरह असं गली दुद्ध बाने कम तो कम 2-3 किलो बल्कि ज्यादा 4 किलो करी छोड़ो दुद्ध है कि असं लाई 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 कम तो कम अद्धा घंटा घंटा लाने स उस तो बाद फिर अस कि जरा ना मतलब है मक्खन लभना सी तो वह भी इसने अद्ध जरा असं अज मक्खन कढ़िया इसने तू थोड़ा आना तो असं ये जड़ी डबल क्रीम नाल मक्खन कढ़िया वै ये ML 600 ML है तो मतलब है 1 पौंड है तू थोड़ी अपर है तो जड़ा असा टाइम लाया वै विस्क करने वास्ते मक्खन करने वास्ते यूजली अज में भी राणा कि 10 तो 12 मिनट लगे न वैसे जड़ा ना कम तो कम 15-20 मिनट लगी जाने अज तो जल्दी मतलब क्रीम लाए सी तो फटाफट निकली गया वै बटर ए मक्खन असा हूँ ये सारा मेल्ट हो गया वै मक्खन तो असं बाने दाने हूँ ये दाने बाने तुसा तक रिजल्ट
बिस्मिल्लाह। गैस थोड़ा मीडियम से असा लून मठा करी छोड़ने तो दाने जे असा मतलब है इस घ्यो च सो कि पहले भी मैं बाया के जे दद्दे बना तो फिर जरा ना ये सारा पूनी के फिर जरा बाकी ना रहना थोड़ा उसने बिच असा दाने बाई के थोड़ा पानी बाई के फिर उसकी पकाने होने हैं तो फिर दद्दे बनी जाने हैं। पर अज असा हाली घ्यो कन्ने ने चक्कर बिचा देसी घ्यो किस तरह बनाई ना होना ये तुसें दसन लगे हैं। असा ज्यादा ज्यादा और दो त्रै मिनट असा इसकी पकाना है। गैस असा मठा करी ओड़िया सी पांच मिनट असा रखिया वै हूँ घ्यो यानी कि बख हो गया वै दाने बख हो गए न इसकी हूँ असा पुनसा पर थोड़ी देर पहले दो त्रै मिनट इतने रेह देने गैस ने उपर ही बंद करी ओड़िया गैस तो फिर इसकी पुनसा गैस बंद करिए जिस तरह तुम अगे आखिया कि पांच मिनट असा रेह देने पांच मिनट रेह दिता वै नीचे सारा तुम कि दिसना उसी कि जेडे दाने असा बाहे नीचे बेही गए असा हूँ पुनने पुनी के बिस्मिल्लाह करने पौने नाल जेड़ा घ्यो है सारा असा कढ़ी दिने बिस्मिल्लाह। नीचे जितना है ना मतलब लस्सी बैठी है उसकी रहन दो है ये जरा मतलब थोड़ा घ्यो बिच है वह ये भाई जाया ना जाए बड़े बड़े फिर असने करने होने बाइकियां बिच और बाजरे ने दाने इन्हें कि थोड़ी देर भुनो भुनी के यानी कि दाने जल बहुत सेड़ी के पहले बाने पैने दद्दे बनाने ते फिर पूरे भाई दद्दे बाई किन बनाई किन उन्हें शुगर पैनी है बटर ही है बूम हो जाना वै असा हूँ ये थोड़े जे हैन पर इन्ना कि असा जरा ना हो ही सकना आटा बाई के असा मिक्स बनाई के ना थोड़ा जा अपने वास्ते पर करी सकने इतने दाने बिच भी हैन पर तकने असा जे दाने और हैन तो दद्दे बनाई कने पर बटर घ्यो बनाने का तरीका बस यही एंड इतने तुसा कि दसन लगे हैं कई तरह घ्यो बनी गया माशाल्लाह। ये हूँ तुसा साल डेढ़ साल तुसा मतलब है भाई अगर इस तरह बनाई के रखी छोड़ो यूज करने रहो कोई प्रॉब्लम नहीं खराब नहीं होना खुशबू भी इतनी नाइस होनी है जिला ये ठंडा उसी उल्लै भी अस तुसें दसने आ। बाजरा जड़ा ना साबत है मैं आखनी सा कि दद्दे बाद च बना सा फिर माड़ा माइंड चेंज हो गया मैं चलो इतने मकाने सा नाल तुसा फिर वेट करने रहे सो बेहतर कि यानी मैं दद्दे भी नाल ही बनाई के तुसें दसा हूँ दद्दे बनाने वास्ते असा इसकी बाजरे की ग्रैंड करन लगे हाँ तकरीबन कोई थोड़ा जो इतना ज़्यादा नहीं अगे भी दो सौ चमचा दबाई हैं जो ज़्यादा खाने वाला बंदा वै तो ज़्यादा भी करी सकनी हैं ये तकरीबन निक्का अद्धा कप असा करन लगे हाँ बहुत सी बहुत इसकी असा ग्रैंड कर सा है। इसकी एक झटका ही काफ़ी है हूँ अस गैस ऑन करने पहला जरा संभाया सी वो भी तको इसकी अस थोड़ा जा मतलब जे तुसा पहले थोड़ा टाइम है वै तो तुसा सेड़ी भी सकने हो तो जे अगर तुसा सेड़िया नहीं तो थोड़ा सेक कराई के पानी बाई छोड़ो गली रेसी तो फिर मुड़ के पानी सकाई छोड़ो इस तरह भी करी सकने हो ईजी है। असा इतना बहुत ज्यादा बटर ना पाओ तो चंगा होना वै जरा असा इत बचे असी बटर उए बहू है दसना उसी तुसों की फिर थोड़ी देर असा भुनसा भुनी के पानी बासा शुगर बासा तो फिर इसकी पक्कन दे सा एक टेबल स्पून असा बटर पाया थोड़ा थोड़ा जहा असा जायके वास्ते बाने नमक ते असा इसकी मिक्स करने दाने की
इन्ना विचों पानी पैसी ते फिर सही करी गलसन फिर खाने का बलोसन पानी बाने असा एक गलास गलासा तो कट है बिस्मिल्लाह मेक श्योर हाथ सन्ने ना खतरा होना है दो टेबल स्पून असा जड़े ना बान गए शुगर इसकी असा हूँ बल्ले बल्ले पकन दे सा पानी फिर सारा सका सा सकाई के फिर अगला स्टेप तुसें दसने असा दुध भी जड़ा ना ये गिलास तकरीबन बाई छोड़ा एक गिलास पानी है ना एक गिलास दुध है ना संभाया तो माशाल्लाह क्रीमी सही नाइस बनसी दुध ना ज्यादा इसनी नाइस टेस्ट होनी है। दाने याद रखो कि बाजरे दाने थोड़ा सेक ज्यादा है नहीं इस वास्ते असा पहले पानी पाया वे उसने विच पकाया वे तो ऑल टुगैदर 10 मिंट लग सन 5 मिंट असा कि हो ही गया पानी पकाया तो हम दुध पाया 5-6 मिंट और कर सा तो पानी सका सा फिर तुसा के दसने हैं। 2 गिलास यानी कि 1 गिलास असा दुध है ना पाया 1 पानी है ना पाया सारे सही करके असा फुल गैस रखी रखिया है तो तकरीबन 20 मिंट लगी गए जे तुसा इस तू थोड़े मतलब डाढ़े रखने चाहे हो तो फिर थोड़ा टाइम रखो तो जे सही करके गालसो तुसा दाने की जे बुढ़े खान तो फिर वो जड़े ना डाढ़े दाने नहीं खाने इस तरह बने हुए तो ठीक है मुलायम है सोई हुए असा बने प्लेटे गैस बंद करने हुए इन्ना ने टेस्ट एक अपनी है तो जे असा डाढ़े रखने वाला तो दाने किरे किरे बैन असा इसने विच बाया वे यानी कि दुध भी बाया वे पानी भी बाया वे सही जड़े ना मतलब खोए वाले सही बनाए तो वेरी नाइस क्रीमी क्रीमी तेल जड़ा ना मतलब है जड़ा घ्यो बनाया असा बाया वे इस तरह ना असा बाने गया इसने पीना गया वे यानी कि बू बरीक दाने किते इस तू जरा मोटे वैन तो वह इस तरह ना लाना थोड़ा घ्यो किन्ना वे तो इसने तकरीबन असा 3 टेबल स्पून असा जरा ना बही छुड़िया तो जरा पहले भी है जरा तुम तक नगे सो यानी कि जल्द असा पुनिया थोड़ा बिच है फ्रै पाना वह भी यूज होया वे घ्यो असा ना मर्जी ये कि घ्यो बिल्कुल ठंडा होया वे तुम दसा पर घ्यो नहीं तुसा तकी सकने वेरी नाइस घ्यो बनया वे हूँ जल्द ठंडा हो सी ना जिस तरह बटर होना झाकी बनी इस तरह भी बनाई के रखी सकने सारा बाई के कुसै भांडे च रखी छोड़ो ते तुसा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी खराब नहीं होना गा बनाया सारा वीडियो पूरी तक है शुरू तू जिस तरह ना असा बनाया के बटर मतलब क्रीम तू जड़ा ना मक्खन बनाया मक्खन तू फिर घ्यो बनाया देसी फिर असा दद्दे नाल बनाए ते दद्दे ने असा हुण बिस्मिल्लाह करने आ तत्ते न पहले असा इन्ना कि ब्लो करने इन्हां वे मूँह साड़न असा ना बचपन याद आई गया वे बचपन च खाने होने सा वेरी नाइस बने तुसा भी जरूर ट्राई करया है इस तरह नाल बनाया है खाया असें जरूर दसया है सबसक्राइब करया है कमेंट करया है लाइक जरूर करया है ते वीडियो तकने ना बहुत बहुत शुक्रिया नेक्स्ट वीडियो वास्ते इजाजत दियो ओके खुदा हाफिज़।